मम्मी तो पतला झोर खिला रही है हम लोगों को, शायद आप लोगों को भी खिलाइए। बढ़िया झोर खिला रहे हैं। और देखो चावल के छिलका प्याज बहुत दिए नहीं दिए दिए। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कल से हमारा घर पूरा सन्नाटा था और अभी देखो भाई भी आ चुका है, भैया भी आ चुके हैं और मम्मी भी आई और उधर से ला दिए भुंजा। ये देखो भुंजा है और ये आलू चॉप है, चटनी है, कच्चा लंका अच्छे, कच्चा लंका नहीं पका लंका अच्छे, काचो लंका काचो क्या नू पका अच्छे तो भाजा अच्छे, भाजा भाजा तेले भाजा अच्छे, सेटाई तो बोलती है हाफ फ्राई है, हाफ फ्राई है। मम्मी गई है कुछ लाने के लिए। मम्मी आ क्या लेकर रही है देखो ना, मछली लेकर आई है मम्मी, बाहर ला दिए तुम्हारे लिए, गांव से पका के मछली लाई हो क्या? हाँ, तालाब में पकड़ के लाई है। हाँ पका हुआ मछली ये बनाई गांव में, गांव में बनाई है, अगाड़ी में करके ले आया। हाँ। वाह भाई वाह वाह वाह, मेरा छोटा बेटा आया नहीं है, उसके लिए कुछ ले जाना पड़ेगा का? हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो छटका के छोड़ के आ गई है। जाने के लिए चल जाते हैं, ऐसे लड़ाई उड़ाई झगड़ा करके और रास्ता में चढ़ने के बाद कमेडी होते ले आज पापा भूखे पेट है पता है, कुछ खाया नहीं आज क्या? पापा कुछ नहीं खाया, का? पूछो का है? कुछ खाया नहीं है आज, आज खाना सुबह में हम उठे कितना बजे? साढ़े आठ बजे उठे पापा, हम पाँच बजे फोन किए तो रुक फोन कर हम साढ़े आठ बजे उठा, अरे साढ़े आठ बजे उठे पापा, हम पाँच बजे फोन कर लिए, मेरा क्लास का टाइम हो गया तो हम क्लास लेने चले गए। अब पापा बोले तीन बजे तक आ जाएंगे तो हम बोलने वाले थे उधर ही कुछ खा लीजिएगा दोपहर में, लेकिन पता नहीं खाएं कि नहीं, वैसे ही आ गए। अभी पूछे थे बोलते कि अभी खाएंगे नहीं अभी सोएंगे, तो अभी एक घंटा सो के अभी उठ रहे, तुम लोग आई तभी उठे नहीं तो सोए थे। खाएं भुंजा खाएं चलिए तो कब प्लानिंग है बोलिए, कोई प्लानिंग नहीं मछली करा, देखो ना मछली गरम, गांव से मछली भूंज के ला दिए, बताओ यार ठंडा हो गया, जा रहे गरम करे। 10 बजे तालाब में ही थी सुबह 10 बजे अपने पकड़ी, हां ये जानते हैं पकड़े बाबू, पकड़ने जानती हो? हां ऐसे पकड़ते ऐसे ऐसे कुछ गरम नहीं लीजिए, खा लीजिए भूंजा दी पापा, अरे हम नहीं खाए हम, हम, हम आधा खाएंगे, लो आधा लो, हम खाएंगे ही नहीं, आधा लो आधा लो आधा लो, चल खा, हाँ खा लो। तो मम्मी से मिलते ही मैं आ गया अभी थोड़ा सा, कहाँ आ गया रे? क्लास, ये देखो डांस क्लास आ गया, इसका डांस क्लास, इसका डांस क्लास, इसका डांस क्लास, क्या चीज का वेट कर रहे हैं क्लास खाली होने का, पर क्लास खाली नहीं होगा, क्लास क्या? चलो चलो कहाँ क्लास डांस करने, मम्मी देख लो भाई देख लो, इधर एक मैडम आ रही है, कौन है? हेलो मैम, हाय। मेरे को तो पता ही नहीं था भाई कौन था और जो भी है सुंदर थी भाई, सुंदर थी भाई, लेकिन तेरी से ज्यादा सुंदर नहीं है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? चल मक्खन मत लगा, तेरे से ज्यादा सुंदर नहीं है, सच बता रहे। कितनी तारीफ कीजिए, रिजेक्ट होना, रिजेक्ट ऐसे कैसे हो जाएंगे भाई, बहुत किस्मत से मिला आपका भाई का ये लोगो। आरिया तुम क्या बोल रही थी अभी? वो तो बोला मस्त वीडियो बनेगा, लेकिन लाइट कहाँ से आ गया यार, लाइट आ गया। अच्छा चप्पल पहनो, चप्पल पहनो, चप्पल क्या करेगा, चप्पल पहनो, ऊपर आ जी, बहुत गंदा है, चप्पल पहनो ना भाई। क्लास में तो क्लास चल रहा है, कुछ मेकअप बूटी क्या क्या चल रहा है पता नहीं भाई, लेकिन अपना चलो आओ खड़ा कर दो ना यहीं पे, इतना जगह दिख ही नहीं रहा, चप्पल पहन के चलो, आज ही धो के लाए आज ही धो के लाए, चलिए। ए खुशी खुशी का एक सॉन्ग निकला है, जो जो नहीं सुने जाके सुन लीजिएगा, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम का रील्स देख लीजिएगा, वहां पे अपलोड हो गया हमारा खुशी का डांस। अरे भाई खत्म हो गया क्या? सर यहाँ पे कैसे रहते हैं भाई?
हम लोग का क्लास तो हो रहा था बट वहाँ पे बूटी का फैशन शो चल रहा था, लग रहा था ब्यूटी फैशन शो चल मतलब फेस पे बूटी मारा। अभी हम लोग एक खंडर में घुस गए हैं, बहुत डर लग रहा है, काफी सालों से बंद है, बट कोई बात नहीं, तुमको मेरी मम्मी पहचान लेगी। रिया के जो सर है उन्हीं के घर में हम लोग आके थोड़ा प्रैक्टिस किए, क्योंकि आग ये तो भाई प्रैक्टिस कर लेना ही सही होता है, क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या भाई? बिल्कुल, टाइम इज इक्वल टू कॉस्टली, वी नो दैट। चलो फटाफट चलो, अब अपना कार यहीं पे, बाइक सारी। चलो टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, अब बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। हाँ चलिए भैया, चलिए चलिए चलिए। क्या आए, और एक हमारे घर के पास में पार्क है, देखिए कितना क्राउड होता है यहाँ पे, सारे बच्चे लोग यहाँ पे आते हैं, इस क्राउड में चारों साइड में बच्चे लोग हैं, क्योंकि ये नया नया पार्क बना है और इस पार्क का मजा सभी को ले रहे हैं, सभी को ले रहे हैं। अब खास करके इधर देखिए, अभी तो फिलहाल रात हो गया और मैं अभी घर के बाहर निकला, मेरे साथ भाई है, देखो दो दो टहलने के लिए, और पता नहीं समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा, पूरा रास्ता को सजा के रखा है, फील आ रहा था दुर्गा पूजा हो रहा है आगे क्या, लेकिन दुर्गा पूजा का ऐसा कोई सीन ही नहीं है, अभी त्यौहार भी नहीं है, अभी कोई फेस्टिवल नहीं है, पूरा रास्ता को सजा के रखा भाई, पता नहीं आज क्या है यहाँ पे। अभी फिलहाल जा रहे हैं घर, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो अभी फिलहाल मैं घर पहुँच गया, मम्मी देखो क्या कर रही है, क्या कर रही हो मम्मी? पापा भी बैठे हुए यहाँ पे, तुम दोनों बैठ के यहाँ क्या कर रही है ये बताओ? देखो ना क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है? देखो चावल का रोटी बना रहे हैं। चावल का रोटी? हाँ। तो किचन में नहीं बना रही है? अरे किचन में नहीं बनता है यहाँ, देसी मुर्गा, देसी मुर्गा है ये, देसी मुर्गा बनाया और चावल के रोटी किचन में नहीं बनाते ना, मुर्गा मछली। तो ये पूरा पतला लग रहा है मम्मी, ठीक है, इसमें नहीं दी क्या? सब कुछ नहीं खाएंगे, वो बहुत पतला लग रहा है, नहीं पतला। और उसमें माल क्यों नहीं दी? और पापा को यहाँ पे दे दिए खाने के लिए, वाह वाह, पापा दे दिए खाने, तो कुछ नहीं खाए, पापा निमकी से आए तो कुछ नहीं खाए थे खाना, इसलिए भूख लग गई, इसलिए खा के बैठ गया ना, लेकिन लेकिन झोर बहुत पतला है भैया। अच्छा, बहुत पतला है, अच्छा है, अच्छा नहीं है, पूरा पतला है। आप देसी मुर्गी एक तो बनता नहीं है घर में, आज बना तो भी लग रहा थोड़ा सा, एकदम अच्छा बना ले, खा पहले देखो ना, नहीं भाई तो प्याज लहसुन कम नहीं दिए, खाओ देखो पहले, और दोनों प्याज दिए, पतला पसंद नहीं आ रहा जो बातें की, इसका कुछ उपाय लगा, ऐसा करो मसाला बना दो, मसाला इसमें डाल दो, लो थोड़ा थोड़ा आटा, अच्छा ये आटा एक खा लेंगे, कैसा लग रहा है? डूबा क्या चीज का ये रोटी? चावल के बनाए, चावल का डूबा डूबा खाएगा अच्छा लगेगा, मेरे पापा जी डूबा तो चूल्हा का पास में बैठा हुआ पिला रही, तुम बताओ ना, आज देसी मुर्गा हम लोग खा रहे, किसी को खाना है तो खाएगा, मम्मी तो पतला झोर खिला रही है हम लोग को, शायद आप लोगों को भी खिलाएगी, बढ़िया झोर खिला रहे हैं, और देखो चावल के छिलका, चावल का रोटी, चावल का रोटी कहीं पीसे मिक्सर में, मिक्सर में पीसी है, कहीं पकाया तावा में, कैसे पकाया हाथ से पलट के, और गांव में किस तरह पीसती थी? ढेकी में, उसको क्या बोलते भैया? किसको भाई? भैया ढेकी बोलते, ढेकी हमारे हमारे साइड तो ढेकी बोलते हैं, आप लोगों के साइड क्या बोलते हैं पता नहीं है ना, कमेंट करके बोलिएगा। यही है भाई, देख लो बहुत अच्छा है बाबू, पतला झोर किसी को खाना है तो कमेंट कीजिएगा भाई, देसी मुर्गी का पतला झोर, देसी मुर्गी के पतला झोर जिसको खाने का सलाह है, खा लो खा लो खा लो भाई, खा लो ले खा लो, सब खा लो, अपना देखती, तो चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग का खाना तो बन गया है, अभी खाएंगे पिएंगे मस्त, उसके बाद कल सोचते हैं कल क्या होगा, नेक्स्ट ब्लॉग में शायद आपको ये भाई देखने को नहीं मिलेगा क्या।
तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।